यहाँ का सबसे अमेजिंग पॉइंट जो है ब्यूटी एट इट्स बेस्ट वो है ये पॉइंट। बहुत ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम हैं जयपुर में और अब हम निकल गए हैं मेरा बर्थडे के सबसे पहले ट्रैवलिंग करने में कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बने रहना वीडियो में, दिखाती हूँ आज हम कहाँ घूमने वाले हैं। और जयपुर में स्पेशली एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे गायें वगैरह कभी भी कहीं पर भी आ जाती है, तो थोड़ा स्लो ड्राइव भी करना। तो देखते हैं अब पहला हमारा कौन सा स्पॉट रहेगा घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे ये नहीं पता ये कौन सी वाली जगह है, लेकिन इसमें इस वाले पानी में मगरमच्छ है, मगरमच्छ रियल वाला। यहाँ पे वार्निंग है कि यहाँ आप उतर नहीं सकते हो। खैर देखते हैं ये कौन सी जगह है, हम उतरने भी वाले हैं कि नहीं उतरने वाले हैं, लेकिन इस पानी में मगरमच्छ है, मगरमच्छ। ये रख लियो पार्किंग। मैं कह रही हूँ आती तो भैया आती क्या रहे। तो अब हम आ गए हैं आमिर फोर्ट। आमिर फोर्ट तो अब हम आमिर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो फाइनली हम तो पैदल और ये हाथी ऊपर आ रहे हैं और कंप्लीट वीडियो में आएंगे। अभी ऊपर चलते जाने हैं, थोड़ा लंबा रूट है। व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। तो फाइनली ये सुंदर सा व्यू है, थोड़ा ऊंचा है। आमिर फोर्ट, यहाँ पे जो पानी है उसमें क्रोकोडाइल है। यहाँ पर सुंदर सुंदर चीजें देखने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ती है, और ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है ऊपर चढ़ने की। आ रही है हमारी बहन धीरे धीरे चलती चलती, देखो फिटनेस फ्रीक, लेकिन हम आगे जाएंगे। ये चेहरा छिपाती हुई भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इसको कवर कर रहे हैं। महल के वो नहीं चलेंगे। तो ये बाउंड्री इसी महल की है, इसी महल पे लगा। ये जयपुर से पहले आमेर था सर। ये ले ले मासी। जयपुर सिटी वो 17 सेंचुरी का है, लेकिन आमेर विलेज 9th-10th सेंचुरी का है। गांव में नेचुरल पानी है, बारिश आता तो भरा नहीं तो खाली रहता। भैया ये जो इतनी बड़ी स्टेयर्स जा रही है वो किस चीज के लिए जा रही है? कि गार्ड्स वगैरह खड़े रहते थे। कुछ भी नहीं, वो किला है, राजा जी का मतलब महल है, वो राजा का महल है। पूरे 12 किलोमीटर बाउंड्री, वर्ल्ड का तीसरे नंबर का, वर्ल्ड का तीसरे नंबर का। फर्स्ट नंबर चाइना वाला, सेकंड नंबर कोमलगढ़, थर्ड नंबर आमेर। आमेर, ओके ओके ओके। हां हां हां, देखिए देखिए, अरे सुसु का रखा है वहां पे। पापा, बहुत थक गए हैं चलते चलते। नहीं भाई, इसी पैलेस को बोलते हैं अंबर पैलेस, राजाओं के रहने के लिए पैलेस बनाया गया था। इसको तीन राजा थे बनाने वाले, मानसिंह, जयसिंह, सवाई जयसिंह। 1590 में स्टार्ट किया गया था, 1727 में पैलेस कंप्लीट हुआ था। 137 साल लगे थे पूरे पैलेस को बनाने में, 137 ईयर्स। देखो ये जो गेट है पैलेस का मेन एंट्रेंस गेट, उधर वाला पैलेस का मैडम एग्जिट गेट। ये सन गेट है, मून गेट है, सनराइज सनसेट ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ से लोग हाथी पे आते हैं, पैदल आते हैं, यहाँ से कार वगैरह से आते हैं। ये जो पैलेस के अंदर अपन चलेंगे, फर्स्ट पार्ट में दीवाने आम, सेकंड पार्ट में दीवाने खास, और शीश महल, और तीन सीजन के तीन बेडरूम। क्योंकि राजा लोग उस जमाने में रानियों को 12 महीने एक रूम में ही नहीं रखते थे, सर्दी गर्मी बारिश अलग अलग सीजन के बेडरूम यूज करते थे। और पैलेस का लास्ट एंड थर्ड पार्ट में आएगा जनाना पैलेस, क्योंकि महाराजा मानसिंह के 12 रानियाँ थी, तो 12 रानी के लिए 12 रूम बना रखे हैं और 12 सीक्रेट रास्ते बना रखे हैं, जो अंदर चल के आपको दिखा देंगे। आपने फिल्म देखा जोधा अकबर, वीर, तलाश, बाजीराव मस्तानी, कुछ फिल्मों का आइडिया है, कुछ का शूटिंग यहाँ से। बाउंड्री आप देखोगे किले के चारों ओर है, 12 किलोमीटर की बाउंड्री। ये वर्ल्ड का तीसरे नंबर का बोला सर, जब आमेर था जब जयपुर था ही नहीं, क्योंकि जयपुर सिटी वो 17th सेंचुरी का है, आमेर विलेज 9th-10th सेंचुरी का है, और पैलेस 15th सेंचुरी का है। पहले एक फोटोग्राफ लेता हूँ, मेरे को मोबाइल दीजिए आप। ये जो पार्ट देख रहे हो आप लोग, दीवाने आम है,
यहाँ पे राजा पब्लिक के बीच दरबार लगता था, इसके सेंटर में राजा, नीचे पब्लिक उधर मिनिस्टर बैठते थे। ये सामने गणेश गेट है सर, ये मतलब गणेश जी का पेंटिंग है। पूरे पेंटिंग देख रहे हैं सर, ये 450 साल पुराना, 450 साल पुराना जमाने का है। ये नीचे कलर है, ऊपर में रानियां बैठकर मीटिंग देखती थी। और राजा लोग कहाँ से हाथी पे आते थे, आप उधर का अपन व्यू देखे थे, वहीं पे केसर का प्लांट लगवाया था मानसिंह ने, क्योंकि इंडिया में केसर कहाँ होता है, कश्मीर में। तो मानसिंह कश्मीर से प्लांट ला के ग्रो किया गया था, लेकिन हुआ नहीं यहाँ पर, क्योंकि क्लाइमेट गर्म है। तो राजा ने तो कोशिश किया था लेकिन हुआ नहीं कभी। तो मेरे को मोबाइल दो। यहाँ का सबसे अमेजिंग पॉइंट जो है ब्यूटी एट इट्स बेस्ट, वो है ये पॉइंट। बहुत ब्यूटीफुल।